नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत्सत प्रणाम है। आज सूरत से ऋषि बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको क्या क्या लाभ हुआ है, कब से सिस्टम को फॉलो करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये सारा अनुभव जो है वो हम उनके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे, पूरे विश्व को बताना चाहेंगे कि हेल्दी कैसे रहना है। ऋषि बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? ओम शांति, बहुत अच्छे जी। ओम शांति जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं सूरत में रहती हूँ, उगत में जी। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 इयर्स जी। और कब से हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो? अगस्त में मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हुई थी जी। लीवर में सूजन आ गई थी हाँ। और मेरा खाना बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब मैं 2 चम्मच खिचड़ी भी खाती थी जी। तो मेरे को इतना पेन होता था, अनबेरेबल जी। और मैं ब्रह्मा कुमारीज में 18 साल से समर्पित रूप से सेवाएं देती हूँ जी। तो मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों 365 डेज ऑन सर्विस होते हैं, गॉडली हाँ। सर्विस छुट्टी नहीं होती, तो बार बार बीमार होना या कोई तकलीफ होना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्लासेस रहते हैं हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, फिर मैंने फोन पे बात की आपसे, तो कहा कि अगर आपको 2 चम्मच खिचड़ी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है या बहुत पेन हो रहा है खाने के बाद, तो इसका मतलब आपका शरीर अभी बोल रहा है कि अभी मुझे अनाज नहीं चाहिए जी। और मैंने लगभग 8,000 की मेडिसिन ले ली थी तो भी मेरा पेन नहीं जा रहा था okay. तब मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं इतनी दवाई भी मुझे खानी ना पड़े और मैं फिर ठीक भी हो जाऊं हाँ। फिर मैंने बात करके शुरू किया, दूसरे दिन से 100% अनाज बंद कर दिया, वैसे भी अनाज तो जा ही नहीं रहा था पेट में जी। फिर मैंने जब चालू किया 21 डेज का 100% ड्रॉ चालू किया अगस्त में okay. और मेरे को 2 ही दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे घर वाले इतने खुश हो गए कि इतने दिन से पेन पेन कर रही थी और देखो 2 दिन में कैसे एकदम ठीक हो गई मैं। तब से मुझे बहुत विश्वास हो गया कि नहीं, राइट ये वे है जी। तो 21 दिन का आपका शेड्यूल क्या था ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में लाखों लोगों को लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है और लीवर ट्रांसफर करवाना पड़ता है, ये सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपने 2 दिन में क्या चमत्कार किया वो बताइए। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शरीर जो चाहता था वो मैंने उसको दिया जी। जैसे मैं सुबह 8 घंटे का ड्राई फास्टिंग, हम लोग रोज 3:30 बजे उठते हैं जी। और मेडिटेशन करते हैं 4 से 5, फिर जैसे थोड़ा एक्सरसाइज या प्राणायाम करना, उसके बाद मैं लगभग 12:30-1 बजे मैंने ग्रीन जूस पिया, जिसमें मैंने दूधी, फुदीना, कड़ी पत्ता, कोथमीर ये सब और बेल पत्र, ये 4-5 चीजें डाल के मैंने ग्रीन जूस पिया 1 बजे। फिर मैं फ्रूट खाती थी और शाम को मैं सलाद लेती थी, या दोपहर को सलाद और शाम को फ्रूट, ऐसे अल्टरनेट लेती थी जी। 2 ही दिन में मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे, मैं अच्छे से खा पाती थी और 2 दिन में तो मैं इतनी, कहते ना मेरी थकावट उतर गई, मैं इतनी नींद करती थी शुरू में 2-3 दिन बहुत नींद आई मुझे, लेकिन मेरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया और एनिमा भी शुरू कर दिया था तब से, रेगुलर 3 टाइम एनिमा लेती थी सुबह दोपहर शाम जी। और 21 दिन में तो एकदम कहते ना स्किन फेयर हो गई, बॉडी डिटॉक्स होता लगता है, हाथ की उंगलियों के कलर भी मेरे चेंज हो गए थे जी, मुझे इतना अच्छा लगा और तब से मेरा विश्वास पक्का हो गया कि ये बिल्कुल राइट वे है जी। आपकी आंखों के, हम जब पहले हमने जब मिले थे तभी आपकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल हो गए थे, बहुत सारे ब्लैकिस्ट आपका स्किन दिख रहा था, अभी जो है वो बहुत ही चमक रहा है। आपने बताया आपकी हाथ की उंगलियों जो यहाँ पे होते हैं वहां पे भी आपको पूरे पूरे काले काले धब्बे हो चुके थे, तो अभी आपको जो स्किन दिख रहा है वो भी आपका जो है वो चमक रहा है। और एक बात यह है ना कि हम लोगों के लिए, समाज के लिए एक एग्जाम्पल है जी। और खास करके मैं अपने, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनके साथ बहुत होमली रहती हूँ, ऑफिशियल नहीं रहती हूँ, तो देखते हैं दीदी क्या खाती है क्या करती है। और शुरू से मेरा बचपन से थोड़ा बॉडी नरम रहा, वीक रहा है, जल्दी बीमार हो जाना, इम्यूनिटी कम होना जी। जो अगस्त में मैंने एनडीएस 100% फॉलो किया ना,
तो सबसे पहले तो मेरी जुकाम ठीक हो गई क्योंकि बार बार सीख खाना, तो क्लास में भी अगर बार जुकाम में नाक साफ करते तो अच्छा नहीं लगता था। हाँ जी, तो ये मेरी एलर्जी वाले जो जुकाम है वो काफी हद तक कम हो गई क्योंकि मुझे बहुत छोटी एज से थायराइड हो गया, क्योंकि मदर को था तो मेरे को हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि इतनी छोटी एज में भी थायराइड होता है। और फिर कोरोना के बाद मुझे शुगर भी आया, डायबिटीज हो गई, 2 साल से मैं डायबिटीज की मेडिसिन खा रही हूँ। और इस वजह से क्या होता था, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो मुझे एक चीज कभी पसंद नहीं आती कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ और मैं झुटके लगाऊं। हाँ, तो मैं चाहे 9 बजे बैठू, 10 बजे बैठू, सुबह 4 बजे बैठू, जब भी बैठू मेरे को झुटके आते थे, तो वो चीज मुझे बहुत खराब लगती थी कि मैं भगवान से मिलन मनाने बैठी हूँ और मैं झुटके खा रही हूँ, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा खटकती थी। तो मैंने कहा जब से ये शुगर आई है ये गड़बड़ हो रही है, मुझे इसको निकालनी है। तो मैंने अपने आप से पक्का किया कि अगर मेरा शरीर ठीक तो मैं ध्यान या मेडिटेशन कर सकती हूँ। दूसरी बात, रोज क्लास, क्योंकि हमारे यहाँ संडे या वेकेशन या छुट्टी ऐसा नहीं होता है, संडे के दिन तो और स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। हाँ जी, तो ऐसा लगा कि जब 365 डेज ऑन ड्यूटी रहना है गॉडली सर्विस में तो शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि जीवन ही सेवा की है जी। और सबसे पहली गुजराती माँ कहवाई ने पहलू सुखते जाते न रहे, शरीर ठीक नहीं तो स्वाभाविक है कि आपकी आत्मा चाहती है कि पुरुषार्थ करे, सेवा करे, लेकिन फिर वो नहीं साथ दे पाता शरीर जी। तो आपको थायराइड कितने सालों से था? मैंने लगभग 24 साल की उम्र से, 23-24 साल की उम्र से मैंने थायराइड की दवाई लेना शुरू किया था। ओके, तो अभी आपका नवरात्रि का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि कैसे नवरात्रि करें, तो आपने कैसे की है वो भी बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि आपकी शिविर जो यहाँ हुई शिवरात्रि पर, मैंने अपने सूरत में शिविर रखी, उसमें लगभग 275 मतलब 275 लोगों ने लाभ लिया। मैक्सिमम भाई बहन डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूट्स इस पे ध्यान दे रहे हैं, खास करके डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दी, मेन जो चाय बोलते हैं, अगर बहुत मन होता है तो वो फुदीना है या लेमन ग्रास है वो डाल के ग्रीन टी या ब्लैक टी पीते हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों ने फॉलो भी किया, अच्छा भी लगा, बोले पहली बार ऐसा लगा कि कुछ हमारे फायदे का आपने शिविर में कुछ बताया, तो बहुत अच्छा रहा। फिर मैं रॉ तो करती थी, जैसे एक टाइम ग्रीन जूस है, फ्रूट्स है, और शाम को अनाज खाना, लेकिन क्या होता था थायराइड में मुझे क्या होता है, मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता, उतर भी जाता है जल्दी लेकिन गेन भी बहुत जल्दी होता है। तो उसके बाद मुझे मन में थोड़ा सा मोनो डाइट का संकल्प आया कि मैं करूं या नहीं करूं। एक डायबिटीज आने के बाद मेरे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई थी, मैं 2 घंटे कुछ खाऊं नहीं तो मेरा शरीर कांपता था। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है, सुबह उठे 6 बजे चाय पी, फिर क्लास के बाद थोड़ा नाश्ता किया, उसके बाद फिर 2 घंटे में कुछ शरीर मांगेगा, 11 बजे अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरा बॉडी इतना लूज हो जाता था कि मैं ओम शांति भी नहीं बोल पाऊं। जी जी, और तो और डायबिटीज के डॉक्टर बोलते हैं कि हर 2 घंटे पे खाओ, और हम तो डायबिटीज के पेशेंट को 5 दिन का निर्जला करवाते हैं तो भी डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो ये बात जो है वो साइंस की बिल्कुल गलत हो गई जब प्रकृति को फॉलो किया। जब नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं तभी हमें सही रिजल्ट मिलता है। एलोपैथी में सिर्फ और सिर्फ 50 साल गोलियां ही खानी होती है। जी बताइए फिर। और मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा फर्स्ट टाइम का जो डायबिटीज का डोज था जी वो 2 रुपये की टेबलेट आती। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मेरा डायबिटीज का डोज बढ़ गया और वो एक गोली 40 रुपये की हो गई। आप सोचो, पहले 2 रुपये की एक गोली और कहां 40 रुपये। जी जी, और मैंने मेरे फादर की लाइफ देखी, वो भी शुगर में, मेरे ग्रैंडफादर भी शुगर में गए, तो मुझे लगता था ये तो मैं उन्हीं के ट्रैक पे चल रही हूँ और मुझे उनका ये ट्रैक पसंद नहीं कि दिनों दिन डोज मेरा बढ़े, क्योंकि दवाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है जी। तो फिर मैंने कहा कि ये अगर मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने देखा मैं 2-2 बजे तक ड्राई फास्टिंग करती हूँ, सुबह 3:30 बजे की उठी हूँ। मॉर्निंग में 3 क्लास रहती, 1 क्लास 1 घंटे की रहती, कंटिन्यू बोलना होता। हाँ? तो भी मैंने लगभग 1:30-2 बजे तक पानी भी नहीं पिया ड्राई फास्टिंग। इतना अच्छा लग रहा, मेरी मम्मी बोलती सचमुच तेरे को भूख नहीं लगती, मैंने कहा नहीं मैं उल्टी एनर्जेटिक फील करती हूँ। फिर मैं ग्रीन जूस पीती, लेकिन इस बार मोनो डाइट में मैंने
ग्रिप्स के ऊपर किया। तो दो टाइम ग्रिप्स का जूस, मैं 1:30-2 बजे के आसपास एक ग्लास ग्रिप्स का जूस भी दी थी। थायराइड की गोली ले लेती थी। तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फील, मैं इतनी अच्छी सो जाती थी, नींद आ जाती थी। फिर 4 बजे पिया, भूख लगी तो, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन ही हुआ। तीसरे दिन से तो मैंने 1:30 बजे और रात को 8 बजे, बस मुझे 2 बार जूस की जरूरत पड़ती थी। फिर तो मुझे 3 ग्लास भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरा शरीर बोलता था नहीं, पेट भरा है, अच्छी एनर्जी है। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्किन का टोन चेंज होने लगा, फ्रेश दिखने लगी। भाई बहन बोलते हैं दीदी आप बहुत फ्रेश लग रहे हो पहले से। तो मैंने कहा अगर मैं शुगर के साथ और इतनी भागदौड़ के साथ कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। और इस 21 डेज में मैंने 3 दिन 100% निर्जला किया। जी, और निर्जला में भी पूरी जिंदगी में कभी आपने निर्जला नहीं किया होगा, और पहली बार अब जब आपने किया तो मुझे आपने मैसेज भी किया था कि यस आई डिड आई डन, तो मुझे भी इतना अच्छा लगा कि चलो भाई मेरे कहने से कोई करता है और जो करता है वो बहुत खुश है। जी बताइए। और मैं, हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में क्या अन्न जल का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते भाई खाओ, परमात्मा को याद करो, अपना कर्म करो। तो शुरू से बचपन से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, तो उपवास करने का तो मेरी आदत ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये शुरू किया, मुझे 4 या 5 दिन के बाद थोड़ा हल्का सा बुखार आया। मुझे लगा थोड़ा बुखार अंदर से लग रहा है, मैंने निर्जला कर दिया। 5वें दिन बुखार चला गया और मेरा बॉडी डिटॉक्स होने लगा, और एनिमा भी लेती थी। 2-3 दिन मुझे थोड़ी सी नींद ज्यादा आई, फिर मैं और फ्रेश रहने लगी। मैं 5-7 मिनट सोती थी, मैं फ्रेश हो जाती थी जी। फिर मैंने, और फिर बीच में एक दिन यह हुआ, 18 या 19वें दिन पे मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी कि मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। इतने दिन में कभी लगा नहीं। फिर मैंने 1-2 घंटा वापिस सो गई, मैं रेस्ट ले लिया, फिर से ठीक हो गई। तो 21 डेज का मेरा बहुत अच्छा रहा मोनोडाइट का, सिर्फ ग्रेप्स का छूट किया जी। और जब भी आप 21 डेज आप सिर्फ और सिर्फ जूस के, ग्रेप्स के जूस पे थे, तभी भी आपने 3 बार एनिमा किया। तब मैं 2 टाइम करती थी, मॉर्निंग में 5 बजे और रात को सोते टाइम जी। तो आपको ऐसा लगा कि शरीर में से बहुत सारा पुरानी गंदगी बाहर निकल रही है, ऐसा फील हुआ? एक बार जब मैं मोशन क्लियर होता था, पेट साफ होता था, तो इतना गंदा कचरा निकलता था कि ये कितना सड़ा हुआ कचरा हम पेट में लेकर घूम रहे हैं। बाहर से शरीर साफ है लेकिन अंदर से साफ नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग को जब पढ़ाया जाता है तो भगवान कहते हैं बच्चे ये शरीर पुराना है, पुरानी सड़ी हुई जूती है। मुझे लगता था भगवान क्यों कहता सड़ी हुई जूती, क्योंकि सड़ा हुआ खाना पेट में पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हम तो जो भी खाना खाते हैं उसको मृत करके खाते हैं। परमात्मा ने हमें जीवंत भोजन दिया, वही चीज को हम आग पे ले जाके राख कर देते हैं और फिर हम उसका सत्व तत्व सब न्यूट्रिशन फिनिश करके फिर हम खाते हैं, जिसमें कुछ मजा नहीं होती है, लेकिन हमारे जीभ के लिए हम उसमें मसाले डाल के बनाते हैं। तो 21 दिन में आपने नमक का उपयोग किया था कि नमक नहीं लिया? मैंने बीच बीच में कभी कभी चाट मसाला डालती थी उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मीठा भी पसंद है और ग्रेप्स बहुत अच्छी मीठी थी। तो कभी ऐसा होता था मैं थोड़ा सा चाट मसाला उसमें ऐड करती थी पिंच पर, और इतना सा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन में ऐसे लगा थोड़ी गैस बन रही है, तो अदरक का टुकड़ा डालती थी बस, और कुछ नहीं जी। ग्रेप्स में अदरक डालते हैं तो उसके ज्यादा लाभ होते हैं कि जितना भी गैस होता है पूरे बॉडी में, कहीं पे भी गैस होगा तो उसको भी बाहर निकाल देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, 21 दिन में आपने एक जो है वो उदाहरण बन के दिखाया है कि रोटी सब्जी दाल चावल या चाय दूध छाछ के बिना भी हमारा शरीर जो है वो ज्यादा अच्छा बन सकता है, वो आपने करके दिखाया है। हमने इसके लिए ही नवरात्रि के पहले वीडियो बनाई थी कि भाई ग्रेप्स के ऊपर आप नवरात्रि कीजिए, और आपने ये, मैंने तो सिर्फ 9 दिन कहा था लेकिन आपने 21 दिन करके दिखाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। शिवेन ये बताइए कि आपका वजन कितना कम हुआ? तो मैं, मेरा 8 किलो वजन कम हुआ था। फिर अगस्त में जब मैंने 21 डेज का किया, फिर मैंने थोड़ा सा रूटीन चालू किया तो मेरा वजन फिर से थोड़ा बढ़ा। फिर अभी जब मैंने वापस किया तो मेरा लगभग 5 किलो वजन कम हुआ है। वजन कम हुआ लेकिन मेरी एक कहते ना, मैं फ्रेश लग रही हूँ, दूसरी बात इंच में काफी लॉस है जी। आपका जो टमी का जो पूरा पोर्शन होता है
वो जो है वो पूरा का पूरा स्लिम हो जाता है। तो ये सबसे, और वैसे भी जो लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, वो जब भी आप साड़ी पहनते हो या हम ड्रेस पहनते हैं कोई भी, तो अगर टमी बाहर दिखता है तो हमारा शेप जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। और आपको तो बहुत सारे लोग जो है वो मिलने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं, तो हमारा शरीर अगर अच्छी तरह से दिखेगा तो पर्सनालिटी और अच्छी पड़ेगी कि भाई ये जो बहन है वो भी कितना शरीर को अच्छा रखते हैं और सबको इतना अच्छा से ज्ञान बांटते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपकी जो इंच लॉस भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और एक बात ये भी है कि हम लोग जब भी प्रसाद बांटते हैं तो कोई ना कोई स्वीट देते हैं, कोई भी हमारे यहाँ आएगा तो उसको स्वीट जरूर देंगे। तो कोपरा पाक देते हैं या तो मोहन थाल है, मगज, वो सब देते हैं। मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया, मैं खजूर के लड्डू देती हूँ या तो फिर फ्रूट्स दे देती हूँ, पूरा फ्रूट खा लो। शुगर वालों को तो मैं कभी स्वीट नहीं खिलाती हूँ, और मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि खजूर में बादाम डाल के दे देती हूँ, ताकि रॉ भी हो जाए, उनको भी नुकसान नहीं हो और उनको ऐसा भी नहीं लगे कि दीदी ने कोई प्रसाद में कुछ चीज नहीं दी। तो मेरे दोनों काम हो जाते, रॉ का भी हो जाता, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरी बात कि अगर जो चीज शुगर, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैरायटी खाना, लेकिन गुजराती में कहवा ने जेनु पेट बार इना रोग अंदर, अने जेनु पेट अंदर इना रोग बार जी। वो चीज मुझे बहुत खटकती थी कि नहीं कैसे भी करके टमी में अंदर जो भरा हुआ है, जो डायबिटीज का रीजन बना है, थायराइड का, उसको अब कैसे भी करके निकालना है जी। तो संकल्प से सिद्धि हो गई आपकी, आपने संकल्प कर दिया कि पेट को अच्छा हटाना है और ये आपने करके दिखाया। ये बहुत अच्छी, आपसे प्रेरणा लेके लाखों लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी और लाखों लोगों की दवाइयां बंद हो जाएगी, ऐसे हम इच्छा रखते हैं कि आपसे जो भी जुड़े उन सभी को ये बता रही है। और आपने ये कहा बहुत अच्छा लगा हमें कि आप खजूर के लड्डू बनाते हो, वैसे ही आप कच्ची मूंगफली को मिक्सर में पेस्ट कर दो और उसके अंदर गुड़ डाल के भी आप बना सकते हो लड्डू, या फिर आप ड्राई फ्रूट जो है वो काजू या बादाम उसको भी मिक्सर में पीस के उसमें भी गुड़ डाल के लड्डू बना सकते हो, या तो फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिक सीड्स होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, तो ये तीनों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो भी तीन वैरायटी अलग से हो गई। फिर जो कोकोनट होता है जो फ्रेश मंदिर में हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो कोकोनट को कद्दूकस कर लीजिए और उसमें से दूध नहीं निकालना है, वो दूध के अंदर ही आप गुड़ डाल के उसका कोपरा पाक बना दो और वो चम्मच चम्मच से सबको दो, तो सबके पेट में जो है, हाँ, जो सबके पेट में है कोकोनट फ्रेश जाएगा, उसके साथ में गुड़ तो थोड़ा मीठा भी आ जाएगा, उसमें आप थोड़ी इलायची डाल दो तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। तो आपके सेंटर पे भी 6 दिन के 6 वैरायटी मैंने कह दिए कि मीठे में क्या आप कुछ सबको प्रसाद में क्या दे सकते हो। हम जब सूरत आए थे आपके यहाँ पे शिविर करने के लिए, इतने सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रोग्राम किया, उस दिन भी मैंने देखा कि लोग जो है वो हमारी NDS की बनाई हुई अच्छा ही प्रसाद आप सबको दे रहे थे, और उस दिन आपने पूरे इतने सारे 300-400 लोगों को आपने सबको फ्रूट्स का प्रसाद दिया। ये भी हमें बहुत अच्छा लगा कि बाहर का मिठाई, पेंडा या ऐसा कुछ लेके हमें सर्दी, जुखाम, साइनस, अस्थमा, दम ये सब हो रहा है, इससे अच्छा है कि परमात्मा का बनाया हुआ फ्रूट्स ही दे दे। आपने जो हमें लंच बॉक्स में चीकू काट के दिया था वो हमने कार में खाए थे, और उसके भी हमने घर पे सबको बच्चे को बोला था कि भाई सेंटर से हमें फ्रूट्स जो है वो काट के दे दिया है और हमने रास्ते में वही प्रसाद के तौर पे हमने खा लिया। बहुत अच्छा लगा था आपके यहाँ पे आके, आपका रिस्पॉन्स, आपके जो पूरी टीम थी वो टीम का पूरा वर्क, और फिर वो करने के बाद आपने ये करके दिखाया है, 21 दिन की ये चैलेंज आपने स्वीकार की है और आपको इतना अच्छा सा रिजल्ट मिला है। अभी क्या होगा कि मोनोडाइट किया, क्योंकि मुझे ये जानने को मिला कि मोनोडाइट के फायदे बहुत ज्यादा है, क्योंकि और दूसरी बात जूस जब पीते हैं तो बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, तो बॉडी को काम कम हो जाता है, तो रिपेयरिंग और हीलिंग के काम में लग जाता है। तो मैंने फ्रूट्स के ऊपर तो किया था, लेकिन मोनोडाइट फिर मैं ये ग्रेप्स का जूस जब मैंने पिया तो डायबिटीज में मैं अब प्री डायबिटिक में आ गई, मतलब मैं डायबिटीज के सिचुएशन में से बाहर आ गई हूँ जी, और थायराइड का डोज भी कम हो गया। मेरे डॉक्टर इतने खुश है, बोले ऋषि अब भी मैं तेरे को 1.5 महीना देता हूँ, तू इसमें से भी बाहर आ जा।
क्योंकि डॉक्टर एमडी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इमोशनली हम हमारे फैमिली से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं जी। और पापा की हालत उन्होंने देखी थी तो उन्होंने कहा क्योंकि पापा को शुगर के बाद जब जो ऑटो इम्यून डिजीज हुआ था मेरे फादर को वो क्योरेबल नहीं था, तो उनकी जो मैंने स्थिति देखी ना तब मुझे लगा कि पीड़ादायक मौत नहीं चाहिए। मौत तो आनी है, अभी भी आ जाए एक सेकंड का भरोसा नहीं, लेकिन पीड़ादायक मौत नहीं होनी चाहिए। दवाई खा खा के इंजेक्शन, पापा के साथ में हॉस्पिटल में 15-15 दिन मुझे रुकना पड़ता था जी। तो डॉक्टर ने जब देखा कि रिपोर्ट्स इतनी अच्छी है तो उन्होंने कहा ऋषि और 1.5 महीना कर, मैं इसमें से प्री डायबिटिक में से भी बाहर देखना चाहता हूँ तुम्हें। तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें से और मैं निकल सकती हूँ, डायबिटीज 2 साल के बाद भी रिवर्स हो सकती है, वो मैं बहुत खुश हूँ। अभी जनवरी में भी हम लोग तपस्या मास करते हैं, जनवरी में आई मीन एक्स्ट्रा मेडिटेशन के लिए आते हैं, तो उसको रोज रोज मुझे कुछ खिलाने का मन था कि कुछ प्रसाद देना चाहिए, भाई बहन इतनी तपस्या करते हैं। तो मैंने क्या किया, रोज मैं लगभग 300-350 ग्राम बादाम भिगो देती थी जी। और सुबह शाम 9 बजे की ऐसे मेरे 3 टाइम क्लास चलती, तीनों क्लास में मैंने सभी स्टूडेंट्स को 5-5 बादाम भिगोए हुए छिलका निकाल कर दिए। वाह क्या बात है। दीदी इतनी तो घर में माँ भी नहीं करती है। हाँ। रोज एक एक व्यक्ति को 5-5 बादाम मैंने छिलके बिना छिलका दिया तो इतना खुश थे। और उसके बाद वो जब फेब्रुआरी आया तो बोले दीदी अभी तो भिगो हुए बादाम खाने की आदत हो गई है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। चलो रॉ भी मिल गया और प्रसाद भी मिल गया, कौन दे इतनी हाथ में, कौन देता है ऐसे जी, तो मुझे लगा चलो सेवा ही करनी है तो ऐसे ही करे को उनको नुकसान भी ना हो। हाँ जी। और आप ऐसा भी कर सकते हो जो कच्चे तिल होते हैं उसको भी डायरेक्ट मिक्सचर में पेस्ट करके उसमें फिर आप गुड़ डाल के भी उसका भी छोटे छोटे लड्डू उसके शेप अलग अलग बना सकते हो। आप कभी गोल बना दो, कभी ऐसे बिठा के पेंडा जैसा कर दो, या फिर कभी ऐसा चॉकलेट जैसा शेप कर दो, तो उसमें भी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और तिल से भी बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, तिल के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तिल को अगर हम सेक के खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, और तिल को अगर हम कच्चे खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। और अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो उसमें से 2 बहनें जिसको तो आप मिले थे वो 100% करते हैं जी। एक बहन तो हमारी 100% वीगन बन गई है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना थोड़ा भी नहीं खाती है, बहुत अच्छा। और एक माता जी मेरे साथ है, काफी एजेड है, मैं समझ तो उनकी 70 अप एज होगी, उन्होंने 1 महीना 100% ड्रॉ किया हमारे साथ साथ। अरे वाह, क्या है उनका नाम, क्या है वो बहन का? रेखाबा करके नाम है, रेखाबा जी। रेखाबा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके चरणों में सत सत प्रणाम कि आपने इतना 1 महीने की तपश्चर्या की है। बहुत ही भाग्यशाली हो आप की जो डेड फूड है वो खाना छोड़ के आप परमात्मा का बनाया हुआ सीधा डायरेक्ट वो फूड खाया है आपने जी। और दूसरी जब आपके शिविर हुई 19 फरवरी को, दूसरा ही दिन उसने चालू कर दिया। अच्छा। और बीच में कैटरक का ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल जाना था 15 दिन में, थोड़ा वो ड्रॉप्स वगैरह डालना, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, मुझे कौन खाना देगा, कुछ भी नहीं। फ्रूट का थैला लेकर हॉस्पिटल चले गए, ऑपरेशन करा के आराम से दूसरे दिन आए, बोले दीदी खाने की चिंता ही नहीं है, फ्रूट खा लिया। और वैसे भी कैंसर का ऑपरेशन करते तो कहते हैं भाई गैस क्लेम से थोड़ा अपने आप को बचा के रखो, बोले दीदी मना नहीं नहीं तो टेंशन ही नहीं जी। तो वो बहुत अच्छा उनके लिए भी रहा, उनका भी काफी वेट लॉस भी हुआ है और अभी अच्छा भी लग रहा है। उनको जो पेट की प्रॉब्लम रहती थी, गैस बनना, कुछ भी खाते थे तो डाइजेस्ट नहीं होता था, तो वो काफी हद तक उस माता जी को भी अच्छा हो गया है जी। बहुत अच्छी बात है। मैं इतना मानती हूँ कि जिसको भी मैं एक मेरा निवेदन कहो, विनती कहो, रिक्वेस्ट कहो, yes. जो डर रहा है कि मैं भूखा नहीं रह सकता या नहीं कर सकते, प्लीज डरे नहीं, आप हिम्मत से करें जी। मैं थोड़ा भी नहीं खाती थी तो मुझे इतना बॉडी वीक लगता था, अगर मैं कर सकती हूँ निर्जला भी, ट्राई फास्टिंग भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते, जरूर करो, हर बीमारी का इलाज है NDS जी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अभी तो आपकी उम्र छोटी है, आप सिर्फ 40+ के हो, तो कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? ये एक्चुअली फॉलो नहीं करना, लेकिन ये लाइफस्टाइल बना देना है। ओके।
कोई भी चीज जब भी हम एक टारगेट लेकर करते हैं ना, तो माइंड सेट हो जाता है बस 21 दिन है ना, फिर तो हम कुछ भी कर सकते, वो गलत है। हाँ, अगर लाइफ जैसे हमारी जीवन में एक लाइफ स्टाइल है, सुबह 3:30 बजे उठना मतलब उठना ही है, फिर अपने आप अलार्म के बिना भी आंख खुल जाती है। हमें और ब्रह्मा कुमारी स्मिथ को सात्विक भोजन पर सबसे ज्यादा भार दिया जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो प्रकृति ने और परमात्मा ने इतना अच्छा शुद्ध बना के हमें दिया है जी। तो अगर वो खाते तो विचार, और ये भी बात है जर्नाबेन की, फूड से भी हमारा एंगर है या सोच है बहुत असर करती है जी। कितने शांत नेचर हो जाती है ये सब खाने से, ये भी मैंने फील किया जी। बॉडी जाती है तो मेडिटेशन में भी आपको बहुत हेल्प करती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है मेडिटेशन में जी। तो ये एक लाइफस्टाइल के रूप में फॉलो करना है, ना कि 21 दिन या 3 महीने तक जी। बहुत अच्छा ऋषि बहन, आप इतना अच्छे तरह से सत्संग करते हो, फिर भी आपने यहाँ पे हमें पूरा आपका अनुभव बताया, आपने इतना अच्छा तपश्चर्या किया, उसके लिए आपको सत सत प्रणाम है। और आपने अपना कीमती समय दिया, आपने पूरे देश को जगाया है, उसके लिए भी प्रणाम है आपको। जितने भी साधक देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज फॉलो करते हो या इंडियाज फॉलो करते हो, नहीं करते हो, हमारे वीडियो को ट्राई कीजिए फॉलो करने की। और हम आपसे भी ऋषि बहन कहेंगे कि आपके मोबाइल में, आपके सेंटर में जितने भी लोग जो पहचान वाले हैं, वो सभी को हमारी वीडियो मैक्सिमम फॉरवर्ड कर दीजिए। जितने लोग देखेंगे उतने लोग करेंगे, उतने लोगों की दवाइयां सभी बंद हो जाएगी, तो आपको ही आशीर्वाद मिलेंगे और बाबा के तो प्रसन्न हो जाएंगे। हम आप और हम सब सेवा करने के लिए बाबा के फरिश्ते हैं, तो बस अभी जो है वो सबको हमें ज्ञान बांटना है कि भाई सही दिशा कौन सी है, तो सबकी दशा जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप एनिमा पॉट या फिर हमारी बुक्स या फिर आपको हमारी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ऋषि बहन आपको ओम शांति, और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए सभी लोगों को ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जनाबे, ओम शांति। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।